अस्सलाम वालेकुम, आज मैं हूँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में, जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने पिछले 10 सालों में बहुत ही तरक्की की है और वो बहुत ही स्कोप पाया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद डाइवर्सिटी और डिफरेंट एरियाज से आए हुए स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं और मिलकर पढ़ते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोगों से मिलने वाले हैं और स्टूडेंट्स से मिलने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मानूर अब्दुल खालिक एंड आई एम स्टडिंग हेयर इन बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। अगर मैं यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ तो वी फील कम्प्लीटली फ्री। यहाँ हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर रिलीजन ओवर जेंडर। हम सब मिल बांट के यहाँ पर काम करते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स आपस में बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम निसार अहमद चांडियो है, मैं लेक्चरर हूँ इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पे BBSL में 2011 से। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट का जो सवाल है, हमारे यूनिवर्सिटी में इंटीरियर साइंस से भी सारे स्टूडेंट यहाँ पे दाखिला ली है। यहाँ पे बलोच भी हैं, उर्दू स्पीकर भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, हज़ारेवाल भी हैं। रिलीजन के हिसाब से देख लें यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। सारे जो है वो यहाँ पे पढ़ें और पीसफुल माहौल में पढ़ें। और ये जो एक डाइवर्सिटी वाला माहौल है, ये एक सिंबल है हमारी यूनिवर्सिटी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं इंटीरियर साइंस जैसे के गांव से आया हूँ। अभी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में BBA की डिग्री कर रहा हूँ थर्ड ईयर में। यहाँ पे जैसे मैं आया तो बिल्कुल ऐसा माहौल, ऐसा माशरा कभी देखा नहीं मैंने कहीं पे। मतलब लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं, अगर पढ़ाई वगैरह करनी हो तो सब मिलजुल के साथ में। और यहाँ पे जो बोलते हैं रैगिंग सिस्टम होता है काफ़ी यूनिवर्सिटियों पे, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ पे रैगिंग के बजाय स्टूडेंट को करेज करते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं ताकि वो सही से अपना फ्यूचर ब्राइट करें और सही से पढ़ पाएँ। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं बच्चे से हूँ, मेरी जो मदर लैंग्वेज सिंधी है। तो ये यहाँ से यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के बजाय तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं जिसे चाहूँ सिंधी में बोल हम बोल सकते हैं। न सिर्फ पढ़ाई के मामले में बल्कि खेलों के माहौल में भी, खेलों के मैदान में भी सब मिलकर खेलते हैं। और यहाँ पर जो जिमनेज़म बना हुआ है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा, बल्कि गर्ल्स हों या बॉयज़ सब मिलकर खेलते हैं और सब यहाँ पर इंजॉय करते हैं गेम्स को, जो कि बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है ताकि वो फ्रेश रहें और इंजॉय कर सकें, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ें भी और वो फिज़िकली भी फिट रह सकें। Hello, I'm Dr. Sadia Sheikh and I'm working as assistant professor at BBSUL in Business Administration Department. I would like to tell you about diversity and inclusiveness. We all know that these are most trending topics today, and diversity actually means that to involve and include people from different backgrounds, from ethnicities and from genders. So here, while I'm teaching in this university, I see a variety of people coming from different backgrounds. So I think that with the time where globalization is there, people are merging up, the whole geographical boundaries have shrunk, here diversity and inclusiveness have become very important. So we as a nation have to accept this and embrace diversity in our systems. Myself is Vinika और मेरा रिलीजन जो है वो हिंदुइज़म है। मैं यहाँ पे इस बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यहाँ पे जो है हम सब मिलके रहते हैं, जैसे मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है, हम दोनों मिलके रहते हैं, मुझे बिल्कुल रिलीजन का डिफरेंस भी फील नहीं होता है, बिल्कुल हम इक्वलिटी से रहते हैं और साथ खाते हैं, साथ पढ़ते हैं, हम हर चीज़ साथ करते हैं।
तो आज यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट लोगों से हमने इंटरव्यूज़ लिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स से, तो सबकी राय ये थी कि यहाँ पर जो BBSUL बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी है, जो कि लियारी में वाक़ है, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो कि सिर्फ पिछले 10 सालों में एक अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हो रही है हर डिपार्टमेंट के लिहाज से। और यहाँ पर का यहाँ का जो माहौल है, असल वही उसकी वजह है कि यहाँ पर लियारी को माना जाता था कि यहाँ पर माहौल सही नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह से उमरकोट, मिठी और इंटरनल सिंध, जहाँ भी हम देखें, सिंध का कोई भी सिटी देखें, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।